क्या हाल है यार आप सभी के। मेरा नाम है अक्षय शर्मा, देख रहे हो हमारा बहुत ही ज़्यादा प्यारा चैनल साइको प्रोडिजी। एंड आज की वीडियो उन सभी बच्चों के लिए जो क्लास ट्वेल्थ में हैं या उन्होंने CUET UG का ड्रॉप दिया है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कैसे CUET UG 2025 की आपको प्रिपरेशन करनी है, क्या वो स्पेसिफिक पॉइंटर्स है जिन पर आपको ध्यान देना है, और कैसे आप साइकोलॉजी में फुल स्कोर कर सकते हो। सो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक प्रॉपर तरीके से देखना एंड बिना किसी देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, तो अगर आप क्लास 12 साइकोलॉजी पढ़ रहे हो तो पहली बात तो कंग्रेचुलेशंस, आप एक बहुत ही सही चीज़ में जा रहे हो, क्योंकि साइकोलॉजी करियर एक बहुत अच्छा करियर है, एक एक्ट ऑफ काइंडनेस काइंड ऑफ अ सर्विस है जो आप लोगों को प्रोवाइड करते हो, आप लोगों की मदद करने की फील्ड में जा रहे हो। तो सबसे पहली बात कंग्रेचुलेशंस। नाउ देखिए, अगर आपको CUET UG क्रैक करना है एंड CUET UG के अंदर अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा वॉट इज़ अ गुड स्कोर, ठीक है। एज अ थम रूल, अगर आपको DU जैसे बड़े बड़े कॉलेजेस, रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज में जाना है, तो अबव 700 इज अ ग्रेट स्कोर, ओके, एंड अबव 650 इज अ गुड स्कोर। तो हमारा एम होना चाहिए कि हमें अबव 700 स्कोर करना है, एंड 650 प्लस आ जाए तो ठीक है, मुश्किल है पर ठीक है। अब पॉइंट इज 700 कितने में से, तो देखिए 800 हम बना के चलते हैं, जिसके अंदर हमारे पास टोटल क्या क्या होते हैं, 5 चीज़ें होती हैं। इसमें क्या क्या होता है, एक इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज जो कि मेनली इंग्लिश होती है, सेकंड एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जिसे GAT टेस्ट कहते हैं, एंड बाकी तीन कोई भी सब्जेक्ट्स जो आपने क्लास 12 में पढ़े हैं या फिर आप देना चाहते हो, तो इन्हें हम डोमेन सब्जेक्ट्स कहते हैं। इन सब पांचों सब्जेक्ट के टोटल मिला के आपके 800 में से मार्क्स निकलते हैं, ठीक है। हर एक यूनिवर्सिटी अलग अलग लेती है, मेजॉरिटी ऑफ देम में ये एक चलता है कि 800 में से मार्क्स लगते हैं GAT इंग्लिश, बट यस बहुत वैरायटी है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी है जो सपोज BA साइकोलॉजी के लिए ओनली साइकोलॉजी एंड इंग्लिश देख रही हैं, कुछ GAT एंड इंग्लिश देख रही हैं, कोई GAT एंड साइकोलॉजी देख रहे हैं, तो देर इज़ अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन ऑल ऑफ देम, ठीक है। पर एज अ थम रूल अब इन पर फोकस करते हैं कि आपको मिनिमम किसका पेपर देना है, तो आपको मिनिमम इंग्लिश देना है, आपको GAT देना है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, एंड बाकी कोई भी तीन डोमेन्स देने हैं। अगर आप चाहते हो DU के अंदर एंटर होना, तो आपके ये जो तीन डोमेन्स हैं वो क्लास 12 में पढ़े हुए डोमेन्स ही होने चाहिए। अगर आप PCB वाले थे तो PCB होना चाहिए, साथ में हो सकता है फिजिकल एजुकेशन हो, तो आप PC या B में से किसी एक को चेंज करके फिजिकल एजुकेशन डाल सकते हो। कॉमर्स ह्यूमैनिटीज़ में भी सेम चीज़ है। अगर आप सोचते हो कि मैं एक्स्ट्रा देना चाहता हूँ, सपोज़ कई यूनिवर्सिटीज सिर्फ साइकोलॉजी मांग रही हैं, तो आप उनके लिए हो सकता है एक एक्स्ट्रा साइकोलॉजी भी पढ़ लो, बट येस DU के अंदर वो नहीं है, बाकी कई यूनिवर्सिटीज़ में है। अगर आपके पास क्लास 12 लेवल में साइकोलॉजी नहीं थी और वो यूनिवर्सिटी अलाउ कर रही है कि साइकोलॉजी डोमेन है, उन्होंने कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि वही डोमेन जो आपने क्लास 12 में पढ़े थे, तो आप बिल्कुल बिना किसी टेंशन के अप्लाई कर सकते हो, टेंशन नहीं लेना, साइकोलॉजी को भी ऑप्ट कर लेना, ठीक है। तो आपके पास टोटल 4 डोमेन हो जाएंगे फिर, अगर आप DU में एनरोल करना ही चाहते हो तो उनको 3 को रखें। अब सबसे पहली बात तो क्या क्या आपको पता होना चाहिए, पहली बात तो ये है कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो चुका है थ्रू आउट द टाइम। शुरू में इजी था, बट धीरे 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 सिंस हमारे देश में क्या है ना, NTA ढंग से काम करता नहीं है, सो जो बच्चे अमाउंट ऑफ किड्स स्कोरिंग गुड वो इंक्रीज दैट इंक्रीज डे बाय डे, एंड इस वजह से CUET UG एंड CUET PG में काफ़ी ज़्यादा हाई कट ऑफ जा रही है, ठीक है। इसी वजह से 700 प्लस इज़ अ गुड स्कोर, ग्रेट स्कोर, एक्सेलेंट स्कोर, पर वो तब भी आपको गारंटी नहीं करेगा कि आपको मिलेगी ही सीट या नहीं मिलेगी। अबव 750 मैं कह सकता हूँ कि हाँ आपको सीट मिल सकती है, हाईएस्ट चांसेस है अबव 750 में, ठीक है। अब आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, पहली बात तो जल्दी प्रेप स्टार्ट कर दो, आपकी प्रेप अभी से स्टार्ट हो जानी चाहिए, फ्रॉम द मंथ ऑफ अगस्त सितंबर यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन, क्योंकि आपके पास मार्च अप्रैल मई इस दौरान ही आपका CUET UG होता है, ठीक है, और इस दौरान आपको आखिर में पढ़ोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, तो अभी से CUET UG के क्लासेस ज्वाइन करो। अगर आपको क्लासेस ज्वाइन नहीं करनी किसी की, तो मेन एसेंशियल क्लासेस तो डेफिनेटली ज्वाइन करो, कोई एक GAT की क्लास ज्वाइन करो, क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट खुद से करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ओके। एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप साइकोलॉजी एज अ डोमेन दे रहे हो, ये एक ऐसा डोमेन है कि जिसमें स्कोर भी कर सकते हो और बेकार मार्क्स भी आ सकते हैं एट द सेम टाइम, अगर आपको ट्रिक्स नहीं आती, अगर आपका सिलेबस ढंग से कंप्लीट नहीं है, अगर आपने वो एक्स्ट्रा सिलेबस जो CBSE में कट रखा है वो प्रॉपर तरीके से नहीं करा। अगर आप एक क्लास 12th के बच्चे या CUET UG के ड्रॉपर हो, तो एक हमारी तरफ से न्यू बैच है विच इज़ कॉल्ड एज द फाउंडेशन बैच, क्लास 12th प्लस CUET UG, स्टार्टिंग फ्रॉम August 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं लाइव क्लासेस विद मी, आई विल बी टीचिंग यू डायरेक्टली, ठीक है।
अनमुन क्लासेस में अगस्त से लेकर टिल CUET UG हमारे दो एम है, जो क्लास 12th वाला बच्चा है उसको बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स दिलाने, क्योंकि अगर बोर्ड में अच्छा स्कोर करते हो तो CUET UG में भी ट्रेंड यही देखा जाता है कि आपका स्कोर बेटर होता है, अच्छा होता है, ठीक है। तो और जो बच्चा ड्रॉपर है उसे अभी से लेके एंड तक प्रॉपर गाइडलाइंस देनी है, उसको प्रॉपर मटेरियल करवाना, सारा सिलेबस करवाना, अच्छे तरीके से करवाना, क्योंकि सिलेबस में से कई बार घूमे हुए क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, ठीक है। तो आप हमारा CUET UG प्लस क्लास 12th फाउंडेशन बैच बाय साइकोब्रोलॉजी फॉर साइकोलॉजी डोमेन ज्वाइन कर सकते हो। इसकी बहुत ही मिनिमल फीस है, 1700 रुपीज पर मंथ है। मैं लाइव क्लासेस दूंगा, वीक में 3 लाइव क्लासेस होंगी विद मी, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, राइट, एंड 1 घंटे की क्लासेस होंगी जिसमें आप लाइव इंटरेक्ट करोगे मेरे साथ। क्लासेस चलती हैं, नोट्स आपको प्रोवाइड होते हैं, हमारी पूरी बुक है नोट्स वाली जो आप ले सकते हो, और हमारी क्लासेस उसके थ्रू ही चलती हैं। हमारे टेस्ट सीरीज चलती है, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव बोथ। तो सब्जेक्टिव में बोर्ड की भी प्रिपरेशन है, लेकिन आपको ये भी रियलाइज़ होता है कि मेरे को कितना याद है। ऑब्जेक्टिव में MCQ लगाना कैसे है हम वो भी प्रिपेयर करते हैं। सो दिस इज द होल पैकेज, एंड जो बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनको एब्सोल्युटली फ्री हमारी टेस्ट सीरीज मिल रही है, जो लास्ट ईयर हमने 700 रुपीज़ में दी थी फॉर 1 मंथ, वो आपको थ्रू आउट द टाइम मिलेगी। तो टेस्ट सीरीज इज एब्सोल्युटली फ्री फॉर ऑल द फाउंडेशन बैच स्टूडेंट्स, और जो क्रैश कोर्स भी बनेगा वो भी आपको फ्री में ही, आप डायरेक्टली एनरोल हो जाओगे उसके अंदर, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा हो। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपको हमारी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में एंड फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, वहां पे जाके आप कोर्स को चेकआउट कर सकते हो एंड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स आते हैं तो यू कैन डेफिनेटली चैट विद अस ऑन व्हाट्सएप, राइट, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। चलिए अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, साइकोलॉजी डोमेन की तरफ ही मैं आपसे अगर बात करूं तो क्लास अपना क्लास 12th का सबसे पहले मटेरियल पूरा करो जो CBSE वाला है, एंड जो एक्स्ट्रा मटेरियल है उसके लिए गुड बुक होनी चाहिए। एंड मैं तो कहूँगा पूरी क्लास 12th CBSE साइकोलॉजी के लिए गुड बुक है, हमारी ही बुक है, हैंड रिटन साइकोलॉजी स्टडी मटेरियल अवेलेबल ऑन Amazon है राइट नाउ एंड इट्स प्राइम नाउ, तो आप ले सकते हो। बहुत ही ऑसम बुक है, 4 सालों से हमारे बच्चे इस बुक से फायदा उठा रहे हैं, 5 से ज़्यादा हमारे 100+ स्कोरर्स रह चुके हैं साइकोलॉजी डोमेन में ही। तो हमारे कई बच्चे DU में हैं, LSR में हैं, जाकिर हुसैन में हैं, बट क्राइस्ट में हैं, सो मेनी प्लेसेस हमारे बच्चे हैं, ऑल बिकॉज क्योंकि हमारा मटेरियल अच्छा है, हमारा कंटेंट अच्छा है। लेकिन जो बच्चा घर पे भी प्रेप कर रहा है उसके लिए 2-3 इंपॉर्टेंट टिप्स है। लाइंस के थ्रू याद करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुद से भी प्रेप कर रहे हो तो हमारी बुक तो डेफिनेटली लो, और खुद भी अगर पढ़ रहे हो तो CBSE NCERT की लाइंस के थ्रू जाओ, राइट। हमारी MCQ वाली बुक है, आप MCQ वाली बुक से भी पढ़ो, और कोई भी डाउट्स आते हैं तो ज्वाइन द बैच, क्योंकि ज्वाइन द बैच करके आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी मेरे थ्रू। और अभी हमारे 5 से ज्यादा बच्चे 100+ स्कोरर रह चुके हैं, वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स हैज बीन 800 out of 800 स्कोरर एज वेल। सो हमारा CUET UG का काफी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, एंड येस आई एम होपिंग दैट ऑल ऑफ यू रियली स्कोर गुड इन CUET UG 2025। और भी कोई डाउट्स आते हैं आपको तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिखो यार, मैं आप लोगों से बात करके बहुत ही ज्यादा खुश होऊंगा, एंड हो सकता है मैं उस पर वीडियो भी बना दूँ। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को मैं खत्म करता हूँ, आई होप आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी हो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।